प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में हम आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया, आज लिखित रूप से विषय सूची हम आपको संप्रेषित करेंगे। आज के तिथि का जो प्रकरण है वह हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस साहित्य के इतिहास को जानने से पहले आप कुछ हिंदी के विषय में रोचक और सरल तरीका जानें, क्योंकि अभी आप कक्षा 8 पास करके 9th में आए हैं। 9th से ही हाई स्कूल प्रवेश का क्रम माना जाता है, इसके बाद 10th। तो जिस हिंदी भाषा को हम लोग प्रायः बोलते हैं उसके विषय में कितना जानते हैं, यह जान करके ही हम आगे अपने प्रकरण पर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हिंदी शब्द जो हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वह किस भाषा का शब्द है? वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब इसके पश्चात हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लिए जो तथ्य प्रमाणित रूप से है, उसमें 10वीं शताब्दी में इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने अपने ग्रंथ अवेस्ता ए हिंद, यह भी फारसी भाषा में लिखा गया है। अवेस्ता का मतलब होता है, जैसे कहते हैं, दस्तावेज, अर्थात साहित्य, और हिंद, हिंद का दस्तावेज में सिंध को हिंद लिखा है। कारण उसका कि हा शब्द जो है वह फारसी भाषा है, सा शब्द हा में कन्वर्ट हो जाता है और धा शब्द दा में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंध से हिंद हो जाता है। सिंध शब्द परिवर्तित हो गया हिंद में, और हिंद के लोगों को, हिंद के निवासियों की भाषा जो है वो हिंदी है। इस प्रकार से हिंदी शब्द की रचना हुई। अब हम इस हिंदी भाषा के विकास पर चलेंगे, देखेंगे। तो हिंदी भाषा के विकास की जो अवस्था है वह 4 कालों में है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। जिस प्रकार से एक बालक अपनी शैशवावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से यौवनावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन 4 कालों में हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई यह हम पढ़ते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे सरल और अच्छी बात है वह कि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 कालों को पढ़ना है, अर्थात कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को हिंदी में आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ना है, रीतिकाल और आधुनिक काल आप नेक्स्ट ईयर कक्षा 10 में पढ़ेंगे। अब प्रश्न आता है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, बहुत ही सारगर्भित और उच्च कोट की, आप इसको एक उदाहरण समझ लीजिए, हिंदी शब्द किस भाषा का है, या सीटेट में पूछा गया था, अर्थात हाई लेवल के कंपटीशनों में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखें, हिंदी शब्द का अर्थ ध्यान से समझें, हिंदी शब्द का अर्थ है हीनता का दलन करना। हीनता का मतलब हो गया बुराई से, और दलन का मतलब हुआ नष्ट करना। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसका अभिप्राय क्या हुआ? बुराइयों को नष्ट करना। इसीलिए हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, गौरवशाली भाषा है। अपनी इस भाषा के प्रति प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए हिंदी भाषा को बहुत जीवंतता के साथ पढ़िए। ये जान लीजिए विद्यार्थियों, गणित, विज्ञान, इन सब से आप श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के बाद धन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मोक्ष और आनंद वह आपको साहित्य देगा, क्योंकि इसी हिंदी भाषा से ही आपको रस की अनुभूति होगी, और रस ही वह अवस्था है जो हमें ज्ञान, वैराग्य और आनंद को प्रदाता है, प्रदान करता है। तो हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको यह तथ्य दिए। अब इसी चीज़ को हम लिखित रूप से आपको अवेलेबल कराएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप 18x27 सेंटीमीटर के साइज की 250 पेज की एक नोटबुक लेंगे। मन में रहता है ना कि जूनियर में जैसे कॉपी किताब निर्धारित थी, इस विषय के लिए इतने नोटबुक, इस विषय के लिए इतने नोटबुक, तो हिंदी के लिए मात्र एक नोटबुक आपको लेना है, वो भी 250 पेज के लेने हैं। और
साइज जो होगी वो 18x27 सेंटीमीटर की। इस साइज में आप हिंदी भाषा के दिए गए कार्यों को तिथि के अनुसार और क्रमानुसार करेंगे। जैसे नोटबुक लिए, 5 पेज छोड़ करके आप विषय सूची लिखेंगे, फिर अंक विभाजन लिखेंगे और फिर उसके पश्चात आज का दिनांक डाल करके 2/7/2020 में आप हिंदी के इन विषयों का उल्लेख करेंगे। और बहुत सारे भी तरीके से थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बाद कि प्रमुख गद्य विधाएं, जैसे जूनियर में आपने निबंध पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, अब हम विधाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे निबंध है, निबंध किसे कहते हैं? निश्चित शब्दों में बंधे हुए अर्थ को निबंध कहते हैं। उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवनी, इस प्रकार से आपके सिलेबस में प्रमुख रूप से 15 विधाओं का अध्ययन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लिखित रूप से आपको संप्रेषित कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप एकाग्र मन से इस कार्य को अवश्य करेंगे। कल के वीडियो में हम पुनः आपको अगले प्रकरण की रूपरेखा विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जा से भरपूर रहें, प्रवेश करा करके आप अध्ययन कार्यों में जुट जाएं। धन्यवाद।